ये है बीजेपी के द्वारा जीती गई सीटें 2019 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, और ये है बीजेपी के द्वारा जीती गई सीटें 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंदर। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने पूरा 2024 लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज के अंदर। और इस वीडियो में आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कैसे नीतीश कुमार और नायडू इंडियन पॉलिटिक्स के किंग मेकर बन चुके हैं, और ये कैसे डिसाइड करने वाले हैं कि अगले 5 साल कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी लोकसभा के अंदर कुल 543 सीटें हैं, और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जिसका मतलब है किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में आना है तो उन्हें चाहिए 272 सीट्स, और इस बार किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो जिसका सिंपल सा मतलब है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है, और गठबंधन की सरकार के अंदर 272 सीट्स जिस भी गठबंधन के पास होंगी वो अपनी सरकार बनाएगी। तो इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर बीजेपी को मिली है 240 सीटें, वहीं टीडीपी को मिली है 16 सीटें, और जेडीयू को मिली है 12 सीटें, शिवसेना को 7, एलजेपी को 5, और अदर एनडीए पार्टनर्स को 12 सीटें मिली हैं। एंड इसी के साथ इनके पास कुल 290 के करीब सीट्स आ जाती हैं, ये एनडीए अलायंस की बात हो रही है। वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस को अकेले मिली है 99 सीट्स, एंड उसके बाद समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स, डीएमके को 22 सीट्स, एंड शिवसेना यूबीटी को मिली है 9 सीट्स, एनसीपीएसपी को मिली है 8 सीट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 7 सीट्स है, तृणमूल कांग्रेस है जिसके पास 29 सीट्स हैं, एंड अदर इंडिया पार्टनर्स हैं उनके पास 30 सीट्स हैं। तो यहीं से चालू होता है इंडियन पॉलिटिक्स का असली खेला। तीस और नायडू जिनके पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं, जो कि अभी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये एनडीए से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं तो एनडीए के पास बहुमत नहीं रहेगा अपनी सरकार बनाने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि उस केस के अंदर इंडिया फिर सरकार बना सकती है, इंडिया अलायंस। तो यही है पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड इसी वजह से इस समय नीतीश कुमार और नायडू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस फिगर बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किंग मेकर्स बन चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स के करंट सिनेरियो के अंदर। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो।